हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, ये लेक्चर आज रात को लाइव आना था पर कुछ कारणों से लाइव नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उस कारण नेटवर्क बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, इस कारण लाइव नहीं बन पाया। उसके लिए आई एम सॉरी कि आप लोग परेशान हुए, परंतु अब ये लेक्चर मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9 मैथ्स का नंबर सिस्टम एंड पॉलीनोमियल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को वन शॉट करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, आरडी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के। आप लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली होगी, नहीं करी है तो एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लीजिए। और मैंने एक असाइनमेंट बनाया है, कुल मिला के 30 से 35 क्वेश्चन है। ये देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन का असाइनमेंट बनाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा और आर एस अग्रवाल से, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट बहुत शानदार बिल्ड कर देंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करते चले जाएंगे, कि जो बेसिक मिस्टेक बच्चे कई बार करते हैं, माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं, मैं वहां पे भी आपको टोकता जाऊंगा, जिससे आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पाए। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा आप, जिससे ये आपको, क्यों अभी तो ये पहला एग्जाम है, अभी तो साल भर आपको पढ़ना है, बार बार इस चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आपका डाटा बन के तैयार हो जाएंगे कि नहीं यार, हम पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ असाइनमेंट का, पहला क्वेश्चन है, हेडिंग डाल लीजिए, मिक्स क्वेश्चन है, कभी एक्सपोनेंट का मिलेगा, कभी रेशनलाइजेशन का मिलेगा, कभी पॉलीनोमियल्स का मिलेगा, ठीक है ना। प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट ए की पावर माइनस वन ए रेस टू द पावर माइनस वन प्लस बी रेस टू द पावर माइनस वन प्लस ए रेस टू द पावर माइनस वन अपॉन ए रेस टू द पावर माइनस वन माइनस बी रेस टू द पावर माइनस वन। यह आपको प्रूफ करना है, टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जिन लोगों से चीज़ें बन रही हैं वो लोग पॉज करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें, सॉल्यूशन तो मैं कंप्लीट करा ही रहा हूँ। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ, हर बार मैं कॉन्सेप्ट जरूर बताऊँगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, कहीं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना कि भैया आपने यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं बताया। जैसे अगर मैं बताऊँ एक्स की पावर माइनस एन है एक्सपोनेंट्स में, यदि x रेस टू द पावर माइनस एन है, पावर नेगेटिव है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें पावर पॉजिटिव करना है तो आप उसको कहाँ ले आके लिख लो, डेनोमिनेटर में लिख लो। जैसे अगर लिखा हुआ है x रेस टू द पावर माइनस टू, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ए रेस टू द पावर माइनस वन को लिख सकते हैं वन अपॉन ए अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस यहाँ पे ए रेस टू द पावर माइनस वन वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी। इतना तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इतना कर लिया होगा। चलिए ऊपर अभी एज इट इज रहने दो, नीचे आप देख रहे हो एलसीएम आ रहा है, बी इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, ए इसमें जाके मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेने में मिस्टेक ना करें, कई लोग तो इस एलसीएम लेने में मिस्टेक करते हैं। ये बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए इस वन में जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा ए बी प्लस वन अपॉन ए एज इट इज, ये बी इस वन में जाके मल्टीप्लाई होगा बी ए इंटू वन ए, और ये आ जाएगा नीचे ए बी। इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ और बता दूं, ये भी बता दे रहा हूँ, जब आप पे इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, पी अपॉन क्यू अपॉन एक्स अपॉन वाई, कई लोग इसमें मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कर देते हैं, कि इसको कैसे लिख लिया करो, ये p अपॉन क्यू एज इट इज रहने दिया करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये x अपॉन वाई है, इसको पलटा के क्या लिख लिया, y अपॉन x लिख लिया। तो ये जैसे 1 अपॉन a को एज इट इज रहने दो, 1 अपॉन a को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई करके क्या लिख दो, ए बी अपॉन बी प्लस ए, ये नीचे वाली क्वांटिटी को पलटा के लिख दो, ए बी अपॉन बी प्लस ए, प्लस का साइन। सिमिलर ये यहीं पे करो, 1 अपॉन a एज इट इज रहने दो, ये ए बी ऊपर पलट के चला जाएगा, तो ए बी मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, ए बी अपॉन ये रह जाएगा बी माइनस ए। कई लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कर देते हैं, इसलिए मैंने ये इतनी स्टेप ओपन करके बताई कि भैया नीचे अगर एक्स अपॉन वाई है तो मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो उसको वाई अपॉन एक्स कर दो, ठीक है ना। चलो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। ये बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और आपस में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल एलसीएम है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी,
ब्रैकेट को प्रॉपरली लगाएं, b इंटू बी माइनस ए प्लस b इंटू बी प्लस ए, नीचे आ जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए, नीचे आ जाएगा b प्लस ए बी माइनस ए। यहाँ पे भी एक स्टेप कर सकते हैं, अभी अपन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो b इंटू बी बी स्क्वायर b इंटू माइनस ए बी प्लस का साइन, b इंटू बी बी स्क्वायर b इंटू ए, ये b है, b इंटू ए प्लस ए बी अपॉन, नीचे का आएगा फॉर्मूला दिख रहा है, b प्लस ए बी माइनस ए मतलब b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 2b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। आई होप बच्चों क्लियर हुआ होगा, इसी प्रकार के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए असाइनमेंट के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 9 raised to the power x + 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 raised to the power x, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं आपको हर फॉर्मेट का क्वेश्चन कराने वाला हूं, रेशनलाइजेशन में, एक्सपोनेंट्स में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के अंदर, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो स्किप करके अगले क्वेश्चन देखते जाओ, बट एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, एटलीस्ट वंस सारे क्वेश्चन को आप लोग चेक जरूर कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दिस कि पूरा वीडियो देखो, टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपसे बन रहा है आप आगे करते चले जाओ, बट यदि नहीं बन रहा है तो एक बार चेक कर लो, और एक बार हाँ बन भी रहा है तो सारे क्वेश्चन को जरूर चेक कर लेना, ऐसा ना हो यार कि अपन ने 29 क्वेश्चन तक देखा और 30वां आ गया, अधिकतर यही होता है, ये काम नहीं करना ना, पूरा देख लो एक बार, स्किप कर करके देखते जाओ। 9 raised to the power x + 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 raised to the power x, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है चेक कर लो, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ x raised to the power m इंटू x raised to the power n इज इक्वल टू x raised to the power m + n, शिवानी याद है ना, हाँ शिवानी मेरी एक ऑफलाइन क्लास की स्टूडेंट है, वो हमेशा यहाँ गलती करती है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x raised to the power m + n को x raised to the power m × x raised to the power n, अगर इसको ये लिखा जा सकता है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना, अगर मैं तेरा भाई हूँ और तो तू भी मेरा भाई होगा, तो बहन भी हो सकती, कोई समस्या नहीं, मतलब मैं तेरा भाई हूँ तो तू मेरा भाई या बहन ही होगा ना, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। उसी हिसाब से अगर हम 9 raised to the x + 2 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 raised to the power x × 9 raised to the power 2, 9 raised to the power x + 2 है तो उसको डिफरेंशिएट करके अलग अलग क्या लिख सकते हैं, 9 raised to the power x × 9 raised to the power 2, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट था इसका, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, नाइन रेस टू द पावर एक्स इंटू नाइन रेस टू द पावर टू इज इक्वल टू सेवन ट्वेंटी प्लस नाइन रेस टू द पावर एक्स, ये 9 raised to the power x है, लेफ्ट हैंड पे ट्रांसपोज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 9 raised to the power x × 81 − 9 raised to the power x 720, 9 raised to the power x यहाँ से कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, 9 raised to the power x यहाँ से कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 81 − 1 = 720, 81 में से 1 गया, 9 raised to the power x × 80 = 720, 9 raised to the power x 720 / 80, 0 से 0 ख़त्म, 8 9 72, मतलब 8 9 72, 9 अकेला है मतलब कुछ नहीं, 9 raised to the power 1 लिख सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 1 is the answer। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रूव दैट 1/1 + x raised to the power a − b प्लस 1/1 + x raised to the power b − a इक्वल टू 1, 1 प्रूफ करना है, कर देंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अपन ने LHS वाला पार्ट ले लिया, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, देखते हैं क्या हो सकता है, 1/1 + x raised to the power a − b प्लस 1/1 + x raised to the power b − a, 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, x raised to the power a × x raised to the power − b, अलग अलग करके लिख सकते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, x raised to the power a × x raised to the power − b,
इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी इंटू एक्स रेस टू द पावर माइनस ए। एक्स रेस टू द पावर मतलब एक्स की पावर, है ना, हिंदी में तो घात बोलते थे, एक्स की घात सुनने में डर लग जाए। वन प्लस एक्स रेस टू द पावर ए, एक्स रेस टू द पावर ए, पावर नेगेटिव है नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स रेस टू द पावर बी प्लस वन प्लस एक्स रेस टू द पावर बी, ये एक्स रेस टू द पावर माइनस ए है नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू द पावर ए। क्लियर है? अब सिंपल सा एलसीएम है, बस गलती मत करना, अकेले इसमें मत मल्टीप्लाई कर देना मेरे बच्चों, आप लोगों से ये गलती होती याद रखना, अकेले इसमें ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पे भी होगा और बाद में ऊपर जाके भी हो जाएगा। पूरा एरो लगा के स्टेप बताया मैंने, एक्स रेस टू द पावर बी यहां पे भी जाके मल्टीप्लाई होगा एज ए एलसीएम और ऊपर जाके भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा पूरा एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए। ये एक्स रेस टू द पावर इसमें भी जाके मल्टीप्लाई होगा और पूरा ऊपर भी जाके होगा, तो एक्स रेस टू द पावर ए, एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर बी। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक्स रेस टू द पावर बी इसको ऐसे लिख लें ये देखने में एक सा लगने लगे, एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर बी इसको भी ऐसे लिख ले रहे, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे, है ना, शादी ब्याह में जाओ तो जरा तैयार होकर जाना पड़ता है ना, अब दूल्हा नीचे चड्डा पहन के जाएगा तो अच्छा लगेगा, एक साथ दिखना चाहिए ना, इसलिए एक साथ दिख लिया। देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो एक साथ लिख दो, एक्स रेस टू द पावर ए एक्स रेस टू द पावर बी। बेस सेम का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, अगर एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू है तो तुम क्या लिख सकते हो, बेस सेम है टू, सीधे क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वाई, वही मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, बेस सेम है तो एक साथ लिख दिया, ऊपर आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए। ध्यान से देखो तो ये कट्टम पिट्टम हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा वन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मतलब बहुत खूबसूरत, यानी कि हैंस प्रूव्ड, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है और बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, तो बड़े प्यार से और इत्मीनान से करिए इसको, है ना, टीचर्स का फेवरेट होता है अभी ये। 81 अपॉन 16 है, पावर नेगेटिव है, तो यहां मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, पहले दो तीन कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है यदि x अपॉन y की पावर नेगेटिव है, x अपॉन y की पावर नेगेटिव है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, अगर अपन y अपॉन x रेशियो का पलट दें तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, अगर ये x अपॉन y है रेशियो, इसको y अपॉन x कर दो तो पावर पावर पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ये रेशियो पलट दो पावर पॉजिटिव हो जाती है, पहला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने जा रहा है, यदि x अपॉन y डिवाइडेड बाय p अपॉन q, x अपॉन y डिवाइडेड बाय p अपॉन q है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय q बाय p, अगर आप डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले आते हो तो ये p बाय q को क्या लिख सकते हो आप, q अपॉन p। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं, मतलब एक्सपोनेंट के भारी भरकम कॉन्सेप्ट लग गए हैं, मजा आएगा आप लोगों को, कॉपी कर लीजिए क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है, मिटा रहे, मिटा रहे, चलो मिटा दिया, ठीक है। अब 81 अपॉन 16 की पावर माइनस 3/4 है, तो मैंने अभी बताया रेशियो पलट दो, 16 अपॉन 81 की पावर 3/4 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गई रेशियो पलट दिया तो, 25/9 था 9/25 कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड का साइन अभी एज इट इज रहने दो, 2/5 कर दो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2/5 कर दो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 16 अपॉन 81 था, 16 को लिख सकते हैं 2^4, 81 को लिख सकते हैं 3^4, ये मालूम होना चाहिए भाई, इतने मल्टीपल क्लियर होना चाहिए, इतना मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। 16 मतलब 2^4, 81 मतलब 3^4 और होल 3/4 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 3/2, और ये डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो ये 2/5 की जगह क्या हो जाएगा 5/2, पावर वही रहेगी, पावर 3 रहेगी। अब ये अपन एक साथ लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 4 और ऊपर क्या पावर चल रही थी 3/4 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या पावर चल रही थी 3/2 इंटू 5/2 की होल पावर 3,
फाइव बाई टू की होल पावर थ्री। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा टू बाई थ्री की पावर थ्री। तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, एक स्टेप और आ सकती है क्या? अरे अभी तो आ जाएगी। तो टू की पावर थ्री अपॉन थ्री की पावर थ्री इन टू, ये भी देखो थ्री की पावर थ्री अपॉन फाइव की पावर थ्री इन टू, इसको ओपन करो फाइव की पावर थ्री अपॉन टू की पावर थ्री। सब आपस में कट शॉर्ट हो रहे हैं, टू की पावर थ्री से टू की पावर थ्री गया, देखो देखो ओहो पेन गिर गए, टू की पावर थ्री से टू की पावर थ्री गया, थ्री की पावर थ्री से थ्री की पावर थ्री गया, फाइव की पावर थ्री से फाइव की पावर थ्री गया, आंसर आ गया वन। और यही आपको प्रूफ करना था, हिमाचल प्रदेश, बहुत खूबसूरत सा आंसर, हैंस प्रूफ्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, देख लो किस तरीके से किया है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बताया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होने वाला है बताओ भाई, एक बार अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। पहले तो पावर सारी नेगेटिव दिख रही है, सबको ऊपर ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, पावर नेगेटिव दिख रही है सारी, पावर ऊपर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएंगी। 4 इंटू 216 की पावर 2 बाय 3 प्लस 256 की पावर 3 बाय 4 प्लस 243 की पावर 1 बाय 5। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बेसिक एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन का कंप्लीट लेक्चर चाहिए, अलग अलग रैशनलाइजेशन मतलब नंबर सिस्टम का अलग, एक्सपोनेंट्स का अलग, पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए एक एक कॉन्सेप्ट सिखाते हुए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। आपके जितने ज़्यादा मैसेज होंगे मैं उतना ज़्यादा सोचूंगा इस बारे में कि मेरे को मैथ्स का वीडियो बनाना है कि नहीं, बिकॉज मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करना चाहता था। पर कई बच्चों ने मैसेज किए या मुझे बात करी कि भैया आप एसएसटी और मैथ्स पे भी ध्यान दीजिए, तब जाके मैं एक नंबर सिस्टम और इसका वीडियो लेके आया हूँ। पर अगर आपको लगता है तो मैं आपके लिए ज़रूर ये काम करूँगा। चलो 216 क्यूब होता है 6 का, याद रखना ये चीज़, 216 क्यूब होता है 6 का, ये चीज़ याद होनी चाहिए। 256 मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब आप बोल सकते हो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 356 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है ना, ये मैंने ये 3 बाय 4 मल्टीप्लाई हो रहा था ये कर दिया, ठीक है ना, करके देख लो 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, 16 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 तो हो गया 4 की पावर 4 256, 243 भी 3 की पावर 5 होता है और ये 1 बाय 5 है, 243 भी 3 की पावर 5 होता है, ये 3 से 3 ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, 4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36 प्लस 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 2, 3 की पावर 1 3 होता है, अब ये 40 30 चौके 120 और 40 24 144 प्लस 64 प्लस 6 70 और ये मेरे ख्याल से 204 आ रहा है आंसर, चेक कर लेना भैया मैंने गलत तो नहीं करा, 214 आ रहा है, 214 इज़ द आंसर, चेक कर लो 214 इज़ द आंसर, 36 इंटू 4 144 प्लस 64 प्लस 6 आंसर इज 214। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और बढ़िया सवाल है, प्रूफ दैट अंडर रूट एक्स रेस टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई रेस टू द पावर माइनस 1 जेड इंटू जेड रेट टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1, ठीक है भैया पावर नेगेटिव है आपको तो मालूम है करना क्या, अब तो यार सीख गए हो गए, अब तो धड़ाधड़ करते जाओ बस, ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इंटू, ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई इंटू, ये हो जाएगा एक्स अपॉन जेड, ठीक है अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं रूट वाई अपॉन रूट एक्स, बिल्कुल अलग अलग करके लिख सकते हैं रूट जेड अपॉन रूट वाई, क्योंकि दोनों सेम रूट के अंदर है, और ये हो जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट जेड, मचा दो आतंक काटा पीटी, डिस्क्याओ पबजी खेलने की आदत तो है ही तुम लोगों को, पबजी फ्री फायर क्यों ध्रुव द गेमिंग, तो आंसर आ चुका है, चलाओ गोलियां, कौन सी बंदूक होती है यार वो M15। एक और प्यारा सवाल, 2 रेस टू द पावर n प्लस 2 रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू द पावर n प्लस 1 माइनस
टू रेस टू द पावर एन, प्रूव करना है 3/2 के बराबर। एल एच एस लेके सॉल्व करते हैं, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं, 2 की पावर n, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। ऊपर से भी देखिए 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 प्लस ये 2 की पावर -1 था, इसको लिख सकते हैं 1/2, पावर पॉजिटिव कर ली। ये 2 की पावर n नीचे से भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2, और यहाँ बचेगा -1, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, आई गया यार 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, और ये 2 - 1 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3/2, हैंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया। बड़ा ही आसान सवाल था, दिखने में थोड़ा अजीब सा था पर बढ़िया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको मालूम है करते करते आप लोगों ने असाइनमेंट का पहला पेज सॉल्व कर दिया, पता ही नहीं लगा असाइनमेंट का ये पहला पेज सॉल्व हो गया। अब अपन दूसरे पेज की शुरुआत पे आए, ठीक है। अब भी हो रहा है बहुत, बस करते चले जाओ इत्मीनान से, ये मत देखो कितना टाइम लग रहा है। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पूरे बना देंगे। बात अकेले ये नहीं कि हम क्वेश्चन, हमको दूसरा क्वेश्चन आ गया तो अरे दूसरा क्या, कहीं का भी क्वेश्चन आए हमारे पास तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना। हम कोई उनमें से थोड़ी ना कि हम रटेंगे सवाल, हम उनमें से है क्या, हम सवाल रटने वालों में से है क्या, कि हमको वही सवाल चाहिए जो हमको किताब में दिया है। कि ऐसे तो कितनी किताबें सॉल्व करोगे, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और 10-15 पब्लिकेशन की किताब उठा लो, और कब तक करोगे। मैथ्स करने का एक ही तरीका है गुरु, कॉन्सेप्ट ही सीखना होगा। आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए क्वेश्चन पे पकड़ बनाने के बजाय। जब भी क्वेश्चन करें तो दिमाग में ये चलना चाहिए इससे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रांग कर रहा हूं, और 6 किताबें करने के बजाय 1 किताब को 6 बार करो। फिर से सुनना क्या बोला, 6 अलग अलग किताबें करने के बजाय 1 किताब को 6 बार करो। ये वाली पॉलिसी आपके कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर देगी कि मतलब तुम्हारा मैथ्स, जो कमजोर कहते हो ना कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट बेटा मैथ्स हो जाएगा, प्यार करने लगोगे मैथ्स से। मेरा भी बहुत कमजोर हुआ करता था मैथ्स, मेरा तो इतना कमजोर हुआ करता था मैं भगता था मैथ्स के नाम से, पर धीरे धीरे करके मेरे को समझ में आई, मेरे पापा ने मुझे समझाया। मेरे पापा बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, टीचर नहीं है बट पढ़ाते बहुत अच्छा थे हमको, मेरे को तो पढ़ाते थे बहुत शानदार मैथ्स, मतलब उनने ही मेरे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे डेवलप करे हैं, ठीक है ना। तो उनने ये बात बोली कि भैया एक क्वेश्चन को आप बार बार करो, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि यार वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा, क्वेश्चन बैठे नहीं बैठे, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठना चाहिए और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए तो ये बताइए क्या होना है, 64/125 है। सबसे पहले आप लोग पावर पॉजिटिव करना चाहोगे तो कर लीजिए, कौन ने मना करा है, 125/64 कि पावर 2/3, रेशो पलट दी पावर पॉजिटिव हो गई। इसको ऊपर ले जाइए पहले एक बार, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे, नीचे ऐसा लिखा रहता खतरनाक सा लगता है, ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव जाएगी, अपन को पॉजिटिव करना आता है, कर देंगे रेशो पलट के। और ये तो भैया पूरा 1 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्वांटिटी 1 हो जाती है, तो लिखा कुछ भी हो उसकी पावर 0 लगी मतलब वो पूरी क्वांटिटी 1 हो गई। 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, और ये बाहर चल रहा था 2/3। पावर पलट दीजिए 625/256, अब आपकी पावर पॉजिटिव हो गई और ये +1, पहले नीचे से ऊपर ले गए फिर पलट दिया, पावर पॉजिटिव हो गई, देखने में अच्छा लगता है। तुम कहोगे हर बार आप पॉजिटिव क्यों करते हो, यार मेरी आदत है मेरे को अच्छा लगना है, क्वेश्चन डरावने जो है ना थोड़ा सा मैं उनको देखने में अच्छा कर लेता हूँ, 3 से 3 कैंसिल। 625 को क्या लिख सकते हैं भैया, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 256 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4, ये +1 चल ही रहा था, ये 5/4 तो ये हो जाएगा 25/16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये पावर होल 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 5/4 और ये बचेगा 1। यहाँ देख लो 5 की पावर 4, 4 की पावर 4, होल पावर 4 हो जाएगा, और इंटू ये 1/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, पावर 1 बचेगी तो क्वांटिटी सिर्फ 5/4 आ गई। 16 और 4 का LCM ले लो यहाँ पे, 16 और 4 का LCM आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25 और ये 4 5 20, ये +1 अलग से चल रहा था, ये कितना आ जाएगा 45/16 +1,
16 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 45 प्लस 16 बाय 16, 45 और 10 55 और 6 61, 61 अपॉन 16 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग सीख भी गए होंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। इफ 2 raised to the power x = 3 raised to the power y = 6 raised to the power -z, ये माइनस टू नहीं है, 6 raised to the power -z, तो प्रूव दैट 1 upon x + 1 upon y + 1 upon z = 0। पॉज करके अटेम्प्ट कर लो इसको बढ़िया तरीके से, एक बार अटेम्प्ट करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग की एक्सरसाइज के लिए शानदार क्वेश्चन डाला है, और एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। इन क्वेश्चंस की क्या ट्रिक रहेगी, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए उसकी ट्रिक रहेगी, लेट 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर -z = k, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k लेट ये सब k के बराबर है, देन 2 की पावर x = k, देन 2 = k की पावर 1/x, पावर उस तरफ जाएगी तो पलट जाती है, 2 की पावर x थी जब उस तरफ जाएगी तो पावर हो जाएगी 1/x। उसी तरीके से ऐसे लिख लो, 3 को लिख सकते हैं k की पावर 1/y, और 6 को लिख सकते हैं k की पावर -1/z। जैसे मैंने ये 2 लिखा था ना, 2 की पावर x = k, तो 2 = k की पावर 1/x, सिमिलरली 3 = k की पावर 1/y, सिमिलरली 6 = k की पावर -1/z। नाउ 6 = what, 2 × 3, नाउ 6 = what, 2 × 3 लिख सकते हैं 6 को, 6 की वैल्यू कितनी है, k की पावर -1/z, 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/y, k की पावर -1/z, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, k की पावर 1/x + 1/y, k की पावर 1/x + 1/y, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, तो -1/z = 1/x + 1/y, है ठीक है बच्चे। ये -1/z को जब उस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो यहां आएगा 0 1/x + 1/y + 1/z। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, तो 1/x + 1/y + 1/z = 0, जो प्रूव करना था वो आ गया है, 1/x + 1/y + 1/z = 0। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसको लेट एनी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के, फिर एक एक नंबर को इसके साथ कंपेयर करते चले जाइए। 2 की पावर x = k, तो 2 = k की पावर 1/x, 3 = k की पावर 1/y कंपेयर करने पर, और 6 = k की पावर -1/z कंपेयर करने पर। फिर 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 6 की वैल्यू पुट कर दी, 2 की कर दी, 3 की कर दी, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट और ऐड कर दी, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जरा इसको एक बार अटेम्प्ट करो। इफ 3 की पावर x = 5 की पावर y = 75 की पावर z, देन प्रूव दैट z = xy / 2x + y। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है, लेट 3 की पावर x = 5 raised to the power y = 75 raised to the power z = k, k यानी कांस्टेंट, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करने पर, k की पावर 1/x, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1/y, और 75 काय के इक्वल आ जाएगा, k की पावर 1/z। अब आपको मालूम है आपको 75 की मल्टीपल के रूप में लिखना है, 75 को आप क्या लिख सकते हो, 25 × 3, 75 को आप क्या लिख सकते हो, 25 × 3। थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लो, क्योंकि अपन पे 25 की वैल्यू नहीं, अपने पास 5 की है, तो 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर × 3। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 75 की वैल्यू k की पावर 1/z, 5 की वैल्यू k की पावर 1/y, k की पावर 1/y, और उसका भी क्या चल रहा है, स्क्वायर, और 3 की वैल्यू है k की पावर 1/x। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है, k की पावर 1/z, ये पावर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, k की पावर 2/y + 1/x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ कर रहा हूँ ना,
बेस सेम है तो ये बेस सेम था तो पावर ऐड हो गई, अब ये बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स का साइन है। तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। प्रूफ करने वाली चीज़ आ तो नहीं रही पर हाँ अरेंज करके आ जाएगी। 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एक्स वाई, एलसीएम ले लिया, पलटा के लिखना जरा इसको। 1 अपॉन जेड इक्वल टू ये है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करना था, आ गया हिमाचल प्रदेश, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। चेक कर लो बच्चों, है दमदार क्वेश्चन, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। चलो चलो रेशलाइजेशन में एंट्री ले लेते हैं एक्सपोनेंट से, वापस आ जाएंगे, वो तो मिक्स क्वेश्चन है। फाइंड ए एंड बी क्वेश्चन है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 15। बड़ा आसान सवाल है बेटा, आपने इस प्रकार के क्वेश्चन करे होंगे। चलो तुम जल्दी से अटेम्प्ट कर लो। रेशलाइजेशन में नीचे माइनस है, कैसे मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, बता बेटा जल्दी जल्दी मुंह खोलो और बोलो। रूट फाइव माइनस रूट थ्री कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री। ये वाली चीज़ मैं बाद में कंपेयर करूंगा, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री था, नीचे माइनस था तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से। ये देखो रूट फाइव प्लस रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा, रूट फाइव प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री। यहाँ पे अब दो फॉर्मूले बड़े फेमस फॉर्मूले लगने वाले हैं। ऊपर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नीचे फॉर्मूला लगने वाला है ए प्लस बी ए माइनस बी का, और फॉर्मूला आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ऊपर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला लगा दूं, रूट फाइव का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू, रूट फाइव इंटू रूट थ्री रूट फिफ्टीन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। ये हो जाएगा एट प्लस टू रूट फिफ्टीन अपॉन टू। अब कई मेरे बुद्धिजीवी हैं, एट प्लस टू को टेन लिख देंगे, भैया हाथ जोड़ के बिनती है, जो गलती नहीं करनी अपन को। एट प्लस टू रूट फिफ्टीन बाय टू, ऊपर से टू कॉमन आ सकता है, देख लो ऊपर से टू कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा फोर प्लस रूट फिफ्टीन बाय टू। ये टू कॉमन ले लिया, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही नंबर मिलेगा, टू फोर जा एट और वापस टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू रूट फिफ्टीन, तो टू कॉमन आ सकता है, टू से टू कैंसिल आ गया। तो LHS को सॉल्व करने पे फाइनल आंसर आया है फोर प्लस रूट फिफ्टीन, पर ये नहीं पूछा था, पूछा था ए और बी की वैल्यू। कोई बात नहीं, इसको मिटाओ और इसकी जगह लिख दो फोर प्लस रूट फिफ्टीन। अब कंपेयर करो, रूट फिफ्टीन की जगह रूट फिफ्टीन है, प्लस की जगह प्लस है, ए की जगह फोर है। तुम कहोगे सर बी की जगह कुछ नहीं दिख रहा, ध्यान से देख, दिखेगा फोर प्लस रूट फिफ्टीन। जब कुछ नहीं लिखा तो मान सकता है ना वन है, जब कुछ नहीं लिखा तो मान सकता है ना वन है, क्योंकि वन के होने से कोई फर्क थोड़ा ना बनता है, वन इंटू रूट फिफ्टीन रूट फिफ्टीन। तो ए की वैल्यू फोर है, बी की वैल्यू वन है, यही तेरा आंसर है, ए इक्वल टू फोर बी इक्वल टू वन। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। इफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, इफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, ध्यान से करना। वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं पर ये और बढ़िया है। इफ एक्स इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर में पूछा है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर की भी निकाल लोगे रेशलाइज करके। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर, और टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, थ्री स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू रूट फाइव। नीचे भाई साहब चल रहा है फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस सिक्स रूट फाइव अपॉन फोर। थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, टू थ्री जा ये टू थ्री जा सिक्स रूट फाइव अपॉन फोर।
कितना आ जाएगा, 9 प्लस 5 आ जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4, 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4, 2 वन ज़ा 1, 2 टू ज़ा 4, तो 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2, ये काई की वैल्यू आई है अभी, तो बेटा ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है अभी, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, अभी तेरे को चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, रेशलाइज करना पड़ेगा, पहले इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, मिटाना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे, इतना कॉपी कर लिया, मिटा रहे मिटा रहे, चलो मिटा रहे हैं ना, इतना कॉपी कर लिया है आप लोगों ने, मान के चल रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अपन को चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो मतलब 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी तो अपन ने ये कर दिया, 2 ऊपर घूम के चला जाएगा, ये पेपर में एरो मत बनाना, ये तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूँ, 2 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 5, और नीचे रूट आ जाए तो पेट खराब हो जाना चाहिए जब तक रेशलाइज ना कर दो, 7 प्लस 3 रूट 5 है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5, रेशलाइज करने का यही नियम होता है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे तो हमेशा यही बनना है, रेशलाइज के केस में 99% चांसेस हैं कि नीचे यही फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 रूट 5 का स्क्वायर, ये वाला साइड मिटा रहा हूँ मैं, ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना, चलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 7 का स्क्वायर बेटा 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर ऐसा है 3 रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 45, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 7 माइनस 3 रूट 5, 49 माइनस 45 आ गया 4, 2 वन जा 1, 2 टू जा 4, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ चुका है 7 माइनस 3 रूट 5 बाय 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ चुका है 7 माइनस 3 रूट 5 बाय 2, ठीक है भैया, ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, आंसर ये वाला निकालना, आंसर ये निकालना है इसलिए इसको मिटा रहा हूं, है ना, चलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 7 प्लस 3 रूट 5 बाय 2, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 7 माइनस 3 रूट 5 बाय 2, है ना, बेस सेम है 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस 7 माइनस 3 रूट 5, 3 रूट 5 से 3 रूट 5 कैंसिल, 7 प्लस 7 14 बाय 2, आंसर इज 7, 2 वन ज 1, 2 7 ज 14, आंसर इज 7, खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चूहिया, इतने बड़े सवाल का इतना सा आंसर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 प्लस 3 रूट 2, इतना बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपके इंटरनल होना चाहिए ये चीज, मान लो आप इसको नाम दे दो फर्स्ट टर्म, इसको नाम दे दो सेकंड टर्म, इसको नाम दे दो थर्ड टर्म, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, और फाइनली जब आंसर आ जाए तो इनकी जगह पुट कर देना जो साइन है उनके साथ, जैसे यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ बीच में माइनस, यहाँ भी बीच में माइनस, उसका ध्यान रखना है कि बीच में माइनस है कि प्लस है, पर अभी इनको अलग अलग सॉल्व कर लो और उनके आंसर वहाँ पुट कर देना, जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई कैसे होगा रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 3, चेक कर लो रेशलाइज करने के लिए, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 7 रूट 3 इंटू रूट 10, पहले एज इट इज रहने देते हैं, काम करते हैं, हो सकता है कुछ कट शॉर्ट हो जाए एकदम, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है,
रूट टेन प्लस रूट थ्री, रूट टेन माइनस रूट थ्री, तो ये हो जाएगा रूट टेन का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेवन रूट थ्री रूट टेन माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टेन का स्क्वायर टेन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। टेन माइनस थ्री कितना हो जाएगा बेटा, यहीं कहीं बता दो, टेन माइनस थ्री लिख दूंगा यहाँ पे, सेवन और सेवन से सेवन कैंसिल, तो फाइनल आंसर आएगा रूट थ्री इंटू रूट टेन माइनस रूट थ्री। आप कहोगे सर हम रूट थ्री भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर कॉपी कर लिया हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो बैक करके देख लेना। रूट थ्री अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा रूट थ्री इंटू रूट टेन रूट थर्टी, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री। ये फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया रूट थ्री माइनस रूट थर्टी माइनस थ्री। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। टू रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स रूट फाइव, मल्टीप्लाई कैसे होगा आपको मालूम है, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स माइनस रूट फाइव। टू रूट फाइव रूट सिक्स माइनस रूट फाइव अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी रूट सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है बेटा, टू रूट फाइव रूट सिक्स माइनस रूट फाइव, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, सिक्स माइनस फाइव कितना आ जाएगा, सिक्स माइनस फाइव आंसर आ गया वन, मतलब ये नीचे वाला आंसर वन। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट फाइव इंटू रूट सिक्स रूट थर्टी, तो ये आ जाएगा टू रूट थर्टी, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, और फाइव टू जा टेन। तो ये है सेकेंड टर्म का आंसर, ये है फर्स्ट का आंसर, ये है सेकेंड टर्म का आंसर। तीनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर यहाँ पुट भी करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए फोर मार्क्स में आएगा। थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन प्लस थ्री रूट टू, नीचे रूट फिफ्टीन प्लस थ्री रूट टू है तो मल्टीप्लाई आपको समझ में आ चुका है, रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू। थ्री रूट टू का भी अंदर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अपन नीचे वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर। नीचे है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थ्री रूट टू रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन का स्क्वायर होता है बेटा फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट टू का स्क्वायर टू, तो नाइन टू जा एट्टीन, नाइन टू जा एट्टीन, तो फिफ्टीन माइनस एट्टीन, फिफ्टीन माइनस एट्टीन आ जाएगा बेटा माइनस थ्री, फिफ्टीन माइनस एट्टीन आ गया माइनस थ्री। ये माइनस थ्री मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है ना, और ये थ्री, तो ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया, इसका फाइनल आंसर आया माइनस रूट टू रूट फिफ्टीन थ्री रूट टू। चेक कर लो, ये थर्ड टर्म का आंसर दिख रहा होगा वैसे मेरे ख्याल से अभी, माइनस रूट टू रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू। अब अपन इनकी जगह पुट कर देते हैं इसको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की जगह, याद रखना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब में बीच में माइनस का साइन था, ऐसा था ये फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस थर्ड। फर्स्ट कितना है रूट थर्टी माइनस थ्री, ब्रैकेट जरूर लगाएं, अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, नहीं तो गलती हो जाएगी बच्चे, ब्रैकेट जरूर लगाएं। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये रूट टू रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट टू। फिर से चेक कर लेना, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी बाहर में माइनस था, थर्ड टर्म के आगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, थोड़ा सा अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, रूट थर्टी माइनस थ्री माइनस टू रूट थर्टी माइनस माइनस प्लस टेन प्लस रूट टू इंटू रूट फिफ्टीन रूट थर्टी रूट टू इंटू रूट टू रूट सिक्स, तो माइनस थ्री रूट सिक्स माइनस थ्री रूट सिक्स। सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाला था मैं, रूट टू ये थ्री एज इट इज, रूट टू इंटू रूट टू 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 थ्री जा ये आ जाएगा सिक्स, ये आ जाएगा सिक्स। रूट थर्टी प्लस रूट थर्टी ये हो जाएगा टू रूट थर्टी, और ये चल रहा है माइनस टू रूट थर्टी, माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस नाइन, और ये चल रहा है प्लस टेन, ये आपस में कैंसिल होगा, माइनस नाइन प्लस टेन आंसर क्या आएगा वन। तुम कहोगे क्या यार सर इतना बड़ा क्वेश्चन करायो और आंसर वन आया, यही होता है बेटा, यही होता है,
क्वेश्चन बड़ा होता है, आंसर बहुत आसान होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलो बच्चों, बोर्ड पे आपको तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इसमें फाइंड ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी, थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन तीनों क्वेश्चंस का, क्योंकि अब इसके बाद अपन पॉलिनोमियल्स में एंट्री ले रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स और रैशनलाइजेशन की इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, अभी आपसे बन जाएंगे। तो ये तीन क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दे दिया, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16। तो बच्चे इससे होगा क्या, अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में यही मेंशन कर देना, भैया असाइनमेंट का क्वेश्चन 14, 15, 16 नहीं बना, तो मैं पर्सनली इसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवा के दूंगा। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो लिख लो, इस पे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप ना करो तो नेम, स्टेट, सिटी, नेम, स्टेट, सिटी, क्लास, बोर्ड, सीबीएसई वगैरह, तो आप इसे व्हाट्सएप कर देना और अपना डाउट लिख देना, भैया असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है, आपको तुरंत सॉल्यूशन भेजा जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो कॉल पे समझाया जाएगा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ पता तो चले कौन बच्चे सिंसियरली करते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। चलिए, तो ये तीन क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, अब हम स्टार्टिंग एंट्री कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स में। चलो भैया पॉलिनोमियल में एंट्री ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो कह रहे हैं एक्स माइनस ए इसका एक फैक्टर है, एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। भैया जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता है, उस केस में रिमाइंडर जीरो आता है, बहुत बेसिक सी बात है। तो हमको यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, या फैक्टर थ्योरम, वो हमसे कहती है जो चीज़ इसका फैक्टर है, जैसे एक्स माइनस ए है तो उसको इक्वेट करो जीरो से, एक्स इक्वल टू आएगा ये पुट इन पी एक्स, पुट इन पी एक्स एंड इक्वेट विथ जीरो, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, इक्वेट करो इसको जीरो से, एक्स इक्वल टू ए आएगा पुट इन पी एक्स, एक्स इक्वल जो एक्स की वैल्यू है इसको पॉलिनोमियल में पुट करो और इक्वेट विथ जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। और अगर रिमाइंडर होगा तो जो रिमाइंडर होगा उससे इक्वेट करना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, पर यदि फैक्टर दिया हुआ है तो जो फैक्टर दिया हुआ है उसको सबसे पहले जीरो से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकलेगी, उस एक्स की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो और पॉलिनोमियल को कैसे इक्वेट करो जीरो से, क्योंकि एक्स माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है जब आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वह काय के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, तो अननोन क्वांटिटी निकल आएगी। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए कि जब भी ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम की बात आएगी तो हम ऐसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम जब भी आएगा तो ये करना है, जो भी चीज़ दी हुई है जो फैक्टर है उसको इक्वेट करो जीरो से, एक्स की वैल्यू निकलेगी मतलब कोई वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, वेरिएबल की वैल्यू कहाँ उठा के पुट करना है पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल को फाइनली कैसे इक्वेट कर देना है जीरो से, तो जो भी आपकी अननोन क्वांटिटी होगी वो आंसर के रूप में बाहर आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पॉलिनोमियल के बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, मज़ा आएगा, मुझे मालूम पॉलिनोमियल कई लोगों को टफ लगता है, आज इसके बाद नहीं लगेगा। x माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया a, पुट इन पी एक्स एंड इक्वेट विथ, ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, इक्वेट विथ जीरो, x इक्वल टू a पुट करते हैं, चलो पी ए ए क्यूब a इंटू ए स्क्वायर टू इंटू ए प्लस ए माइनस वन, पर इसको कैसे इक्वेट करना था जीरो से, ए क्यूब होगा a इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए क्यूब होगा, टू ए प्लस ए ये हो जाएगा थ्री ए, टू ए टू इंटू ए टू ए, टू ए प्लस ए थ्री ए माइनस वन, ए क्यूब कैंसिल, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए माइनस वन, तो वन इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए, तो a इज इक्वल टू आ रहा है 1/3, यही आपका आंसर है, a इक्वल टू 1/3 यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये थ्योरम। चलिए, मैंने कहा है अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आया तो कमेंट कर देना, मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी तो ये प्रैक्टिस वीडियो है इसलिए इसमें सटासट चल रहे हैं अपन। तुम कहोगे भैया आपने क्वेश्चन नंबर 20 डाल दिया, क्वेश्चन नंबर 18 19 क्यों स्किप कर दिए, स्किप नहीं करें, 18 और 19 एक्चुअली थोड़े से कंडीशनल आइडेंटिटी के हैं,
कंडीशनल आइडेंटिटी थोड़े से बाद में आती है, अभी हम पहले फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के एक साथ कर ले। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर वही डाल रहा हूँ, क्योंकि जब आप डाउट पूछो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 20 डालना पड़ेगा, तो मेरे को असाइनमेंट से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18-19 कराए जाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2m x² + 16 इज डिविजिबल बाय x + 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2m x² + 16 इज डिविजिबल बाय x + 2। अगर कोई चीज डिविजिबल है मतलब वो उसकी फैक्टर हो गई ना, उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। मान लो 20 इज डिविजिबल बाय 4, 4 1 1, 4 5 20, कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आया। तो मतलब जब भी कोई डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो उस केस में रिमाइंडर जीरो आता है। मतलब जिस चीज से डिविजिबल है उसको उठाओ, जीरो से इक्वेट करो, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, -2। वही कहानी, पुट इन पी एक्स एंड इक्वेट विथ जीरो। ये फैक्टर थ्योरम की कहानी है, लिख लेना इस कॉन्सेप्ट को कि जिस चीज से डिवाइड करो, जो फैक्टर है उसको जीरो से इक्वेट करो, जीरो से इक्वेट करने का जो वैल्यू आई उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, पॉलिनोमियल पुट करने के बाद यदि वो फैक्टर है और डिविजिबल है तो उस पॉलिनोमियल को कैसे इक्वेट कर दो, जीरो से। और अगर वहां पर रिमाइंडर आ रहा है तो पॉलिनोमियल को कैसे इक्वेट कर दो, रिमाइंडर से। ये रिमाइंडर थ्योरम है, जीरो से इक्वेट करोगे, ये फैक्टर थ्योरम है, ठीक है भैया। चल x इक्वल टू -2 जरा पुट करो, ये -2 पुट करा, -2 का क्यूब -2 इंटू एम -2 का स्क्वायर +16। और इसको कैसे इक्वेट करना है, जीरो से, क्यों, क्योंकि वो डिविजिबल है मतलब फैक्टर है। -2 का क्यूब -8, नेगेटिव क्वांटिटी का अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव क्वांटिटी का अगर पावर इवन है तो इवन आता है। जैसे ही नेगेटिव का 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 जाए -8m +16, -8 +16 कितना हो जाएगा, +8, 8 - 8m, तो 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8m, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 by 8, मतलब m इक्वल टू कितना आ गया, m इज इक्वल टू आ गया है 1, m इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है बच्चा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ x^5 माइनस 4a² x³ + 2x + 2a + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब x + 2a इसका फैक्टर दिया है, जल्दी से तुम लोग सॉल्व करना चालू करो। तुम्हें मालूम है जो भी फैक्टर दिया है उसको कैसे इक्वेट करोगे, जीरो से। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2a, इसको कहां पुट करोगे, पुट इन पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल एंड इक्वेट विथ, बोलो जरा बोलो, इक्वेट विथ जीरो, क्योंकि भैया फैक्टर दिया है, फैक्टर में इक्वेट विथ जीरो, रिमाइंडर दिया होता तो इक्वेट विथ रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, धांसू तरीके से चमक रहा है सब कुछ। x इक्वल टू -2a, -2a^5 -4a² x³, तो -2a का x³, x की जगह -2a पुट कर रहा है, तो -2a का क्यूब +2 × -2a + 2a + 3, और ये भैया काय के बराबर था, p(-2a), इसको तो जीरो से इक्वेट कर ही देंगे, ये कर दिया। -2^5 -32a^5, 2^5 32 और नेगेटिव है और पावर ऑड है तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी -2 है, -2^3, -2^3 मतलब -8, -+ 8 × 4 = 32, a³ a^5, तो ये a^5 हो जाएगा। चेक कर लो कैसे हुआ है, -2^5 -32 a^5 -4 as it is, a² as it is, 2^3 2^3 हो जाएगी -8, क्योंकि -2 है पावर ऑड है, तो -2^3 -8 -8 और माइनस प्लस 8 × 4 = 32, और a² और a³ a^5, ये हो जाएगा -4a + 2a + 3, ये तो कट शॉर्ट हो गए, तो 0 = -4a + 2a -2a + 3, -2a + 3 आ गया, 0 = -2a + 3, 3 को इस तरफ ले आओ तो -3 = -2a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a = आ गया 3/2, a = आ गया 3/2 इज द आंसर।
आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क हो गया, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन चले आ रहे हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 2x-1 बी अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको मालूम है क्या करना है, 2x-1 को जीरो से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करोगे और पॉलिनोमियल को इक्वेट करोगे जीरो से, अपने आप अननोन क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आया है, और यदि डाउट आएगा तो भी आपको सिर्फ मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तुम कहोगे सर फिर से दो क्वेश्चन लैप्स कर रहे हो, लैप्स नहीं कर रहा हूं, बाद में कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो हैं वो फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन है, तो अभी फैक्टराइज को बीच में मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फ्लो बिगड़ जाएगा। दो क्वेश्चन और रह गए मेरे ख्याल से, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27। ये हैं अभी रिमाइंडर थ्योरम के, तो ये रिमाइंडर थ्योरम के ये निपटा लें, फिर अपन फैक्टराइजेशन पे एंट्री लेंगे। फैक्टराइजेशन के ही बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। तो चलो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया था। पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स रेज टू द पावर 4-2x³+3x²-ax+3a-7। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करा अपन ने x+1 से। x+1 से जब डिवाइड किया गया तो ये रिमाइंडर छोड़ता है कितना, ये 19 रिमाइंडर छोड़ देता है, मतलब ये फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द मेथड, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, जो आपको दिया हुआ है x प्लस वन, इसको जीरो से इक्वेट करिए, x इक्वल टू माइनस वन आएगा, पुट इन पी एक्स। तुम कहोगे बिल्कुल बराबर तो है, बिल्कुल वैसे कि वैसा करना है, बस जो x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू माइनस वन, पुट इन पी एक्स एंड इक्वेट विथ गिवन रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम में तो रिमाइंडर जीरो होता था, इसलिए कैसे इक्वेट करते थे, जीरो से। रिमाइंडर थ्योरम में आपको रिमाइंडर गिवन है कि x प्लस वन से इसको डिवाइड करने पर आपका क्या रिमाइंडर मिल रहा है, क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 19। तो x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करा, x इक्वल टू माइनस वन आया, पॉलिनोमियल में पुट करो और फाइनली गिवन रिमाइंडर से इक्वेट करो। ये है वो कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए इसको, ये है वो कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर से इक्वेट कर दो तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो करते हैं, करते हैं, इसको मिटा दें, कॉन्सेप्ट लिख लो आप लोग, कॉन्सेप्ट लिख लो, इसको मिटा दे रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिख लिया होगा। चल अब आपको जो x प्लस वन है, ठीक है ना, ये x प्लस वन है इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वन, पुट इन पी एक्स, पुट कर दो, पी ऑफ माइनस वन, माइनस वन की पावर 4 माइनस टू, माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 माइनस वन की पावर 2 माइनस ए, एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस 3a माइनस 7। और ये इसको कैसे इक्वेट करना है, गिवन रिमाइंडर से, 19। फैक्टर थ्योरम होता तो जीरो से, रिमाइंडर थ्योरम होता तो गिवन रिमाइंडर से। माइनस वन की पावर 4 नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर प्लस में आएगा। माइनस टू नेगेटिव की पावर ऑड है, आंसर माइनस में आएगा, पर बाहर भी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। प्लस नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर प्लस में ही आएगा। 3 नेगेटिव नेगेटिव प्लस ए प्लस 3 ए माइनस 7 19। 2 और 1 3 3 और 3 6 6 में से 7 गए और ए 3 ए माइनस 1 3 ए प्लस ए ये आ जाएगा 4 ए ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20 20 इज इक्वल टू 4 ए तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4 ए इक्वल टू आ गया 5। दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम आपने कर लिया, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम में जीरो से इक्वेट करो, रिमाइंडर थ्योरम में गिवन रिमाइंडर से इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार, कई बार आया है, कई स्कूलों ने इसको अपने एग्जाम में दिया है, बहुत शानदार तरीके से करना। इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + 4 शो दैट p इक्वल टू r। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, फैक्टर दिया तो आपको मालूम है वैल्यू पुट करके जीरो से इक्वेट करना। इसको कुछ मान लेते हैं अपन qx, qx इक्वल टू दिया है px² + 5x + r, जिसका एक फैक्टर क्या है x-2,
तो इक्वेट करोगे जीरो से, तो x इक्वल टू टू पोटेन पोटेन, ये तो सीख गए होगे क्यू एक्स, एंड इक्वेट विथ जीरो, ये तो सीख गए होगे x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू टू पर जरा पुट करना, ये जीरो क्यू एक्स की जगह, ये p की जगह p, x की जगह टू का स्क्वायर, फाइव इंटू टू प्लस आर, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस आर, तो ये आ जाएगा 4p प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 10, 4p प्लस आर इज इक्वल टू माइनस 10, संभाल के रख लो इसको। अब इसका एक और फैक्टर गिवन है, क्या गिवन है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, x माइनस हाफ भी इसका फैक्टर है, तो x माइनस हाफ को कैसे इक्वेट करेंगे, जीरो से, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 1 बाय 2 पोटेन क्यू एक्स, एंड इक्वेट विथ जीरो, जीरो से इक्वेट कर दो। चलो x की जगह जरा हाफ पुट करना, ये जीरो से इसको तो इक्वेट कर देंगे जीरो से, p की जगह p, x की जगह हाफ, 1 बाय 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 बाय 2 प्लस आर, जरा सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा p बाय 4, 5 बाय 2 प्लस आर, एलसीएम कितना आ रहा है, जरा एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r, चेक करके देख लो, चेक करके देख लेना, एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, अरे यार तुम लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा, p बाय 4 प्लस 5 बाय 2 प्लस r है, 4 और 2 का एलसीएम आ गया 4, ये p, ये 5 2 जा 10 प्लस r, ये 4r में भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो p प्लस 10 प्लस 4r, और नीचे 4 बचा, ये 4 बाद में जाके काय में मल्टीप्लाई होगा, जीरो में, तो खत्म हो गया, तो मैंने डायरेक्ट स्टेप लग दी p प्लस 10 प्लस 4r, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं p प्लस 4r इज इक्वल टू माइनस 10, चेक कर लो, ये सेकंड इक्वेशन बनी, p प्लस 4r इज इक्वल टू माइनस 10, सेकंड इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन क्या बनी है, 4p प्लस r माइनस 10, p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 10, दोनों जब माइनस 10 के बराबर हैं तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r, 4p माइनस p, 4r माइनस r, 3p इज इक्वल टू 3r, 3 से 3 खत्म, p इज इक्वल टू r, हैंस प्रूव्ड हिमाचल प्रदेश आ चुका है, p इक्वल टू r आ गया, था बढ़िया सवाल, मजा आ गया इस क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लो इसको, अच्छे से नोट डाउन कर लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और फाइनली इक्वेट कर दिया, तो p इक्वल टू r आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही प्यारा एक और सवाल, इसके बाद रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का खात्मा हो गया, फिर अपन घुसेंगे फैक्टराइजेशन में। इफ द पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, फाइंड वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन ये है, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को पी एक्स और क्यू एक्स को कैसे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों ही केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, x माइनस 3 दिया है, x इसको 0 से इक्वेट करो, क्या आ गया, x इक्वल टू 3, पुट इन पी एक्स एंड दोनों ही पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर दो एंड इक्वेट देम विथ ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दे भाई, क्योंकि दोनों ही केस में बिल्कुल बोल रहा है लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, तो आंसर आ जाएगा, सबसे पहले x इक्वल टू 3 पुट करो इसमें पी एक्स वाले में, तो a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, जरा सॉल्व करना p 3 को, 3 का क्यूब ये हो जाएगा 27a, ये हो जाएगा 9 चौके 36, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 27a 36 एंड 9 45, 45 माइनस 4 41, ये आ गई p 3 की वैल्यू। उसी तरीके से सेकंड वाले पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा q 3
थ्री का क्यूब माइनस फोर इंटू थ्री प्लस ए, 27 माइनस 12 प्लस ए, 27 में ये हो जाएगा 15 प्लस ए। अब रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर सेम है, देख लो, लीव द सेम रिमाइंडर, ये दोनों रिमाइंडर है, लीव द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब दोनों ही पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को आपस में इक्वेट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, लीव द सेम रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 27 ए प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस ए, 27 ए माइनस ए, 15 माइनस 41 ये आ जाएगा 26 ए, 15 माइनस 41 मेरे ख्याल से माइनस 26 दस 36 और वजह से, ठीक है, तो ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस 26 बाय 26, ए इक्वल टू आ चुका है माइनस 1। कुछ नहीं करा था, दो पॉलिनोमियल दिए हैं, दोनों में क्या दो है, तीन देते, तीनों को आपस में इक्वेट कर देते, कोई समस्या नहीं आती। चलिए अब अपन एंट्री ले रहे हैं फैक्टराइजेशन में, ठीक है भैया। चलिए अब अगले जो भी सवाल है वो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, मैंने वो वाले फैक्टराइजेशन उठाए हैं जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान करते हैं, ठीक है ना, असाइनमेंट बनाने का। आप लोग कहोगे सर हमें पूरा डिटेल वीडियो बनाओ, तो एक एक आइडेंटिटी पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, पूरी आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल सॉल्व करेंगे, पर उसके लिए आपके कमेंट की जरूरत पड़ेगी कि हाँ आप चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये चैनल आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आप जो चाहेंगे वो इस चैनल पे आएगा, ठीक है ना, जैसा कंटेंट आप, कंटेंट मेरा तरीका होगा, बहुत अच्छा दूंगा, पर आप चाहते क्या हैं वो आप बताइए, आपको वही मिलेगा। इसे हम कहते हैं एक आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये एक आइडेंटिटी है। अब इसी में एक कंडीशनल आइडेंटिटी बन जाती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज जस्ट इक्वल टू 3ABC, और वो आया भी कैसे वो भी आपको समझ में जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ आप जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी क्वांटिटी खत्म, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू जीरो, माइनस 3ABC को वहां ट्रांसपोज कर दोगे तो यही आइडेंटिटी बनेगी। इसे हम कहते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं इस पे, बड़े प्यारे प्यारे सवाल। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर बढ़िया से सवाल कराता हूँ इस पे, बढ़िया वाला सवाल कराता हूँ, नोट डाउन कर लो। कंडीशनल आइडेंटिटी बार बार लगाऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन है कंडीशनल आइडेंटिटी के, ठीक है ना। चलो तो जो क्वेश्चन मैंने लैप्स करा था करा दे रहा हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है 48 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग क्यूब, मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 18 into 18 into 18 करने बैठ गया, 30 into 30 into 30, वो टीचर गलत कर देगा। क्वेश्चन ये है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देख सकते हो ए की जगह है 48, बी की जगह है माइनस 30 और सी की जगह है माइनस 18। तुम कहोगे कैसे पता चला, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, फॉर्मूला जो होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, आप चेक कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है, और इसमें यदि ए प्लस बी प्लस सी का समेशन जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3ABC के बराबर होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो। तो ये रहा ABC, ए बी सी चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू 48, बी की वैल्यू माइनस 30, सी की वैल्यू माइनस 18, 48 माइनस 48 यस भैया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3ABC, मतलब इसका आंसर होगा 3 into ए की जगह 48, बी की जगह माइनस 30 और सी की जगह माइनस 18, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो 3 into 48 into 30 into 18, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर है, 3 3 जाइए 90, 90 into 48 into 18,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी से कर दो, 1800 और कितना जाएगा, 1620, यही आएगा पक्का है ना, इंटू 48। चलो ये मल्टीप्लाई तो तुम खुद कर लोगे, ये मल्टीप्लाई तुम कर लेना। समझ में आ चुका है आपको क्या करना है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये दिए हुए थे, आपने ए बी सी की वैल्यू निकाली, आपको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होते हैं, 3ABC के बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 3ABC के बराबर। चलिए एक और प्यारा वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, एक और प्यारा वाला इसी क्वेश्चन पे, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्यारा क्वेश्चन फैक्टराइज करने का ही है, फैक्टराइज करने का ही है, क्वेश्चन नंबर 19। अब आपके मेरे ख्याल से पूरी सीरीज हो गई है, बीच में एक आध क्वेश्चन छूटा होगा तो वो भी अपन देख लेंगे, मेरे ख्याल से नहीं छूटा है, नहीं छूटा है, जहाँ छूटा होगा मैं बता दूंगा। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। इनने कहा इसको फैक्टराइज करके दिखाओ, मैंने कर देंगे। एक बात बताओ, ये मुझे दिख तो रख बिल्कुल जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जैसा दिख रहा है, तो अगर मालूम है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होते हैं, 3ABC के बराबर होता है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है। तो मुझे ए की जगह कौन दिख रहा है, ए की जगह दिख रहा है x माइनस वाई, बी जैसा कौन दिख रहा है y माइनस जेड, सी जैसा कौन दिख रहा है z माइनस एक्स। चलो ए प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी चेक करो, x माइनस वाई बी की जगह, y माइनस जेड सी की जगह, z माइनस एक्स कट गए ये तो, अरे आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब कंडीशनल आइडेंटिटी लग रही है, मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा 3 times ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, हो गया फैक्टराइज, हो गया फैक्टराइज। सबसे पहले क्या करने का, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, a प्लस बी प्लस सी चेक कर लो, अगर समीशन जीरो आ गया देन इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, ए की जगह कौन था ये, बी की जगह कौन था ये, सी की जगह कौन था ये, मतलब 3ABC x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत शानदार है, क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस, समझ गए होगे क्या करना है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब यहाँ स्मॉल लेटर्स दिए हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी कैपिटल में लगाना, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ऊपर अलग लगेगी नीचे अलग लगेगी। आपको तो क्या चेक करना चाहिए, आप तो चेक करो ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सॉरी ए बी सी के बराबर होता है, इफ देन, ये कंडीशनल आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो चेक करो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह ऊपर वाले फॉर्मूला, सबसे पहले ऊपर चेक करो, ऊपर चेक करते हैं, वो ए की जगह कौन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की जगह कौन है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी, करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब कट गए आपस में, सबका कट गया, सबका कट गया मतलब कुछ नहीं, जीरो आ गया, अरे ऊपर तो जीरो आ गया, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3ABC, ये तो आंसर 3ABC हो गया, 3, ए की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या थी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऊपर वाले का आंसर आ गया,
ऊपर वाला सिंप्लीफाई होकर आ चुका है 3a² - b² - c² - c² सिमिलरली नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे, सिमिलरली नीचे वाले को सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को ये सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह कितना है a - b, b की जगह कितना है b - c, c की जगह कितना है c - a। चेक कर लो a + b + c की वैल्यू, a - b, b - c, c - a बिल्कुल आ रहा है, a + b + c = 0 आ गया। देन a³ + b³ + c³ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3abc, तो इसका आंसर आएगा 3, a की जगह है a - b, b की जगह है b - c, c की जगह है c - a। ये ऊपर वाले का आंसर है, ये नीचे वाले का आंसर है, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं, उसकी जगह ये लिख दे रहे हैं 3a² - b² - c² - a² नीचे वाले को मिटा दे रहे हैं, उसकी जगह लिख दे रहे हैं ये 3, अरे ग्रीन पेन, a - b, b - c, c - a। कट्टम पिट्टम मचा दो, 3 से 3 खत्म हो गया। और ऊपर तो एक फॉर्मूला और लग रहा है, a² - b² तो लिख सकते हो a + b, a - b, b + c, b - c, c + a, c - a अपॉन a - b, b - c, c - a। खत्म। फाइनली आंसर क्या बचा, a + b, b + c, c + a हो गया फैक्टराइज। आपने ऊपर भी कंडीशनल आइडेंटिटी लगा दी, नीचे भी लगा दी, कट शॉर्ट कर दिए, फाइनल आंसर आ गया। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ बढ़िया से सवाल और हैं, आगे मिलते हैं, करते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल।